नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। आजमगढ़ में पतंजलि आयुर्वेद द्वारा गिलोई का पौधा निःशुल्क वितरण किया गया। आज आजमगढ़ शहर में सुबह मुख्य चौक पुरानी कोतवाली के पास पतंजलि आयुर्वेद की तरफ से युवा भारत मिशन के बैनर तले राहगीरों और मोहल्ले वासियों को निःशुल्क गिलोई का पौधा वितरण किया गया। युवा भारत टीम के कार्यकर्ताओं का कहना है कि आज कोरोना काल में हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं और आयुर्वेद का एक बहुत ही महत्व है और हमारा अनुरोध है कि लोग योग करें और आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। साथ ही लोग अपने घरों में गिलोई का पौधा लगाकर उसका सेवन करें, जिससे लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे। साथ ही परिवार को सुरक्षित रखें, मुंह पर मास्क लगाएं, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। युवा भारत मिशन के प्रभारी जयप्रकाश जी, शैलेश जी, बिंदु जी, अशोक जी, ज्ञान जी, अनंत जी, लोटू जी के साथ अशोक गुप्ता जी भी मौजूद रहे। प्राइम न्यूज 24 के लिए आजमगढ़ से अजीत प्रजापति की रिपोर्ट। सर, किसके द्वारा ऐसा हो रहा है? ये गिलोय श्री चंद्र लग जाए द्वारा, पतंजलि युवा भारत इकाई के द्वारा जो है वितरित हो रहा है। और तुलसी कन्हैया जी के द्वारा युवा भारत के बैनर तले हो रहा है। थैंक यू सर। ये हमारे जिला प्रभारी श्री जयप्रकाश जी आपके, इसमें पूरा युवा भारत टीम है और आगे बढ़ के सभी नागरिक हैं। आज के कोरोना काल में जहां हम आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहे हैं, आयुर्वेद का एक बहुत महत्व है, हमारा सबसे अनुरोध है कि लोग योग करें और आयुर्वेद की तरफ बढ़ें। तुलसी और गिलोय का उपयोग करें और इस कोरोना जैसी महामारी से बचें, यही हमारा सबसे अनुरोध है। सभी लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें। धन्यवाद।